मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा कर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। ये जाति का सवाल, जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं। आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए, हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी, कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे।